So students, if you are appearing graduation or post graduation from Kanpur University, then what is update about your results? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी examination आपने appear किया है, चाहे वो annual examination हो, चाहे वो semester examination हो, तो आपके results को लेकर क्या है update? अगर आपको याद हो तो morning में मैंने एक video upload करके आपको बताया था कि university के end से officially जानकारी दी गई है 82 courses के results को of successfully यूनिवर्सिटी की नई वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। अगर आपने जाकर अभी चेक नहीं किया है तो चेक करिए। साथ ही साथ मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि अगर आपको अपने रिजल्ट्स को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करिए। मॉर्निंग में मैंने आपसे कहा था कि हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कितना कैसा परसेंटेज जा रहा है, कैसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ रहा है, ताकि जो एनुअल एग्जामिनेशन का जिन बच्चों ने या जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिए हैं उनके रिजल्ट किस प्रकार से आएंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो जब से अपलोड किया है तब से लगातार एनुअल एग्जामिनेशन जिन भी स्टूडेंट्स ने दिए हैं उन्होंने भी क्वेश्चन करके पूछा है कि सर हमारे रिजल्ट का क्या होगा, चूंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के रिजल्ट तो अपलोड किया गया है लेकिन अभी तक हमारे रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इसके बारे में मैं आपसे बताने से पहले एक चीज थोड़ी और बता देता हूँ। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बीटीसी या डीएलएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट डेट बहुत जल्द है, 30 अगस्त लास्ट डेट पहले से डिसाइडेड थी। तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं एक न्यूज़ आई है जहाँ पर कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति जी ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि चाहे वो डीएलएड कोर्स हो चाहे वो बीटीसी कोर्स हो, इन कोर्सेज की डेट को एक्सपेंड किया जाए, चूंकि अभी भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपलोड नहीं हो पाया है। चूंकि ये रिक्वेस्ट की गई है इसका मतलब एक चीज़ तो साफ है कि डेट्स बढ़ जाएंगी और ये डेट्स बढ़ने से बेनिफिट होगा उन छात्रों का जो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसका मतलब एक और भी आप तरीके से समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि रिजल्ट्स आपके एक या दो दिन में अपलोड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनको अपलोड करना ही होता तो फिर डेट बढ़वाने का कोई मतलब नहीं था। डेट बढ़वाने का शायद रीजन यही है कि हो सकता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन का जो भी रिजल्ट है उसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, दो चार दिन शायद हो सकता है कि लग जाए, ऐसा पक्का नहीं कह सकते। इसके पीछे कारण एक ये भी हो सकता है कि जैसे रिजल्ट्स अपलोड किए जाएंगे तो कई बार वेबसाइट काम नहीं करती है, क्योंकि भारी मात्रा में स्टूडेंट्स विजिट करते हैं वेबसाइट पे और वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर रिजल्ट्स को डाउनलोड करते हैं, तो कई बार दो घंटे चार घंटे के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो शायद इस वजह से भी यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि कानपुर यूनिवर्सिटी से एंड से रिक्वेस्ट की जा रही है कि डीएलएड कोर्सेज से लेकर उनकी डेट्स को एक्सपेंड किया जाए ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से अप्लाई कर पाए। तो इसका मतलब ये रिजल्ट आपका जल्दी ही आएगा, हो सकता है दो दिन तीन दिन या फिर भी डिले हो सकता है, ये भी बात है। चूंकि आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ये 28 तारीख का वीडियो है, 28 तारीख है आज, और आपके रिजल्ट्स अब तक तो अपलोड नहीं हुए हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स अपलोडेड हैं, कुछ रह भी गए हैं वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जिनका भी रिजल्ट आया है तो किस तरीके से आया है। तो गुड न्यूज़ ये है, अब तक जितने भी रिजल्ट अपलोड किए गए हैं सबके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की अच्छी खासी मार्किंग आई है। जैसे कि अगर आपको मैं बता दूं तो बीएससी नर्सिंग में एक भी छात्र फेल नहीं हुआ है, और भी कई सारे कोर्सेज हैं चाहे वो एलएलबी हो चाहे वो बीएलएलबी हो, जिन भी छात्रों के रिजल्ट्स अपलोड हुए हैं रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपने कोई एनुअल एग्जामिनेशन दिया है और आपके पेपर थोड़े बहुत खराब हो गए थे, आप लोग लगातार कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरा पेपर खराब हो गया था तो क्या मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो अगर हम इस बिहाफ पे देखते हैं, हालांकि पहले भी मैंने आपसे बताया था कि कानपुर यूनिवर्सिटी के एंड से बोला गया था कि अगर पेपर में कोई कमी हुई है हमारे एंड से तो कॉपी चेक करते समय आपको उस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, फिर भी आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो फिर आप बैक पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से आप री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ ये है कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि अब तक जितने भी रिजल्ट्स अपलोड किए गए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एंड से वो आपके अच्छे आए हैं। एक और चीज़, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछते हैं कि अगर रिजल्ट अपलोड हुआ है तो कहाँ है, साबित करिए। ये एक जोक के तरीके है बस, मैंने आपको जब वीडियो बना के आपको दिखाया था तो उसमें स्क्रीन साइड में चल रही होती है जिसमें मैं आपको सब कुछ शो करके दिखाता हूँ कि भाई ये यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में साइड में स्क्रीन चल भी रही थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कानपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके, और आप भी चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे, तो मैंने दिखाया था कि कानपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया गया है जहाँ पे जानकारी दी गई है कि 82 कोर्सेज के रिजल्ट अपलोड कर दिए गए हैं। इतना सारा कुछ करने के बाद भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आप साबित करिए, इज इट अ जोक? अगर आप YouTube चला रहे हैं तो क्या आप Twitter अकाउंट जाकर चेक नहीं कर सकते हैं CSGMU का? आप जाके चेक करिए, क्या आप वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहे हैं? आपका कौन सी क्लास है, कौन सा सेमेस्टर है,
क्योंकि वहां पे वो लिस्ट जारी की गई है। आप चेक करिए कि आपका नाम उस लिस्ट में है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो जाके चेक करिए। एक दो दिन तक तो वहां पर रिजल्ट ही नहीं अवेलेबल थे नई वेबसाइट पे, अभी अपलोड हुए हैं तो 82 कोर्सेज के रिजल्ट अपलोड हो गए हैं। इसके बावजूद अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हो कि साबित करिए, तो मेरे लिए मैं क्या कहूंगा इसके बारे में। मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, यानी मॉर्निंग में ही मैंने आज वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर ट्विटर का लिंक दिया है मैंने, जो भी ट्वीट किया गया उसका लिंक दिया है, आप क्लिक करके चेक करिए। वो मैंने नहीं बनाया है, ना ही CSGMU का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मैं रन कर रहा हूँ, वहां से मैं नहीं ट्वीट करता हूँ, वो यूनिवर्सिटी ट्वीट करती है। तो जब यूनिवर्सिटी ट्वीट करती है तो इससे ज्यादा मैं साबित करने के लिए क्या कर सकता हूँ, जरा आप बता दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिलहाल आज की जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी है, जैसे कोई नया अपडेट आएगा आपको दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।